जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले का भी भला ते सत्संग सुनन वाले का भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मे श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी और उनकी प्यारी प्यारी संगत को मेरा शत शत प्रणाम। संगत जी, आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 66वें अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, गुरु जी के बिना गोविंद को पाना यानी ईश्वर को पाना असंभव है। गुरु ही है जो हमें ईश्वर तक जाने का रास्ता दिखाता है। गुरु ही हमारे और उन ईश्वर तक पहुंचने की कड़ी है। संगत जी, अगर ईश्वर रूठ जाए तो उन्हें मनाना फिर भी आसान है, पर अगर गुरु रूठ जाए तो फिर कहीं जगह नहीं मिलती। और संगत जी, हम सब तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें तो गुरु के रूप में स्वयं भगवान मिल गए, खुद महाशिव सदाशिव भोलेनाथ मिल गए। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज तो इतने भोले हैं कि वो सच्ची श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और हमसे कभी कुछ नहीं मांगते, सिर्फ देते ही देते हैं। हमारे सभी गुनाहों को माफ़ करते हैं। संगत जी, गुरुजी कहा करते थे कि मैं थानू माफ़ी ते करन आया वा। संगत जी, गुरुजी को हम लोगों का कल्याण करने के लिए हमारे लिए इस धरती पर हम जैसा ही बनकर रहना पड़ा। उन्होंने हमारे सारे कष्ट भी अपने पे ले लिए। संगत जी, गुरु जी हमेशा इसी बात पर जोर देते थे कि अपने कर्म चंगे रखो। तो संगत जी, हम सभी अच्छे कर्मों को करें और गुरु जी से यही प्रार्थना करें कि जो अपराध हमने किए हैं वो हम खुद ही भुगतेंगे, बस आप उन्हें भुगतने की हमें शक्ति प्रदान करें। संगत जी, गुरु जी महाराज ने तो अपनी संगत के कष्टों को हरने के लिए कई बार प्रकृति के नियमों को भी बदला। जिनकी किस्मत में जीवन ही नहीं था उन्हें जीवन दान दिया। संगत जी, हमारे गुरुजी तो हर पल हम सबकी ढाल बनकर खड़े हैं, बस ज़रूरत है तो सिर्फ उन्हें हर पल हर सेकंड प्यार से श्रद्धा भक्ति से याद करने की। गुरुजी कहा करते थे कि तुसी मैनू याद करो ते मैं थोड़े काम करांगा। संगत जी, हमें बस हर पल हर घड़ी हर क्षण उन्हें दिल से याद करना है, फिर देखिए वे हमारे लिए नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग भी इसी सत्य से जुड़ा हुआ है। आज का सत्संग भावेश पांडे जी जो कि जयपुर से हैं उनका है। तो आइए संगत जी, हम सभी उनके ये दिव्य अनुभव जो कि उन्हें गुरुजी महाराज के साथ हुए सुनकर लाभ उठाएं। हमारे अस्तित्व का मूल गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गोविंद से गुरु बड़े जो गोविंद दिए दिखाए। इस पद में कबीर जी ने मन में संशय का भाव स्पष्ट है कि गुरु और गोविंद इन दोनों जब समक्ष खड़े हों तो किसके पांव छूने चाहिए। फिर वे इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि गुरु के आशीष के बिना गोविंद ईश्वर को पाना असंभव है। हमारे मन में ऐसा कोई संशय नहीं है क्योंकि गुरुजी स्वयं परमात्मा हैं। मैंने गुरुजी के बारे में सर्वप्रथम अपने मामा जी कर्नल जोशी से सुना था। यह 1996 के आसपास की बात थी और मेरा युवा स्वाभिमान अपनी पूरी श्रद्धा गुरु को देने को तत्पर नहीं था। अप्रैल 1994 में मुझे चंडीगढ़ में पहली बार गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य मिला। उनके इस प्रश्न पर कि मैं कहां से आया हूं, मैंने उत्तर दिया कि मैं कर्नल जोशी का भांजा हूं, जयपुर से आया हूं। उन्होंने मेरे सिर पर अपने दोनों हाथ रखकर कहा, कल्याण हो। दो दिन बाद जब मैं दिल्ली वापस आया तो एक नौकरी जिसकी मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था मुझे मिल गई। तुरंत कल्याण हो गया और यह भी तब जब मैंने चाय प्रसाद और लंगर मना कर दिए थे। गुरुजी के दर्शन से मेरे दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया, उनके लिए कोई विशेष भाव नहीं उभरे। इसमें कुछ और समय बीतने की आवश्यकता थी, यह भी गुरुजी की इच्छा पर ही निर्भर करता है। इस बीच में वह दिल्ली आ गए। मैं दिल्ली जाता अवश्य था पर उन 2.5 वर्षों में मैंने ना ही उनके दर्शन किए ना ही इसका कोई प्रयास किया। इस समय तक मेरी माँ और बहन उनके परम भक्त हो गए थे पर मैं वही पुराना लकीर का फकीर था।
मेरी माँ और मैं 2 वर्ष से मेरी बहन के लिए अच्छा वर्ड ढूंढ रहे थे। अप्रैल 2000 में मेरी बहन के होने वाले ससुर का फ़ोन आया कि वह संबंध पक्का करने के इच्छुक हैं। मेरी बहन उस समय दिल्ली में थी और जब उसने गुरुजी को अपने होने वाले पति का चित्र दिखाया तो गुरुजी ने कहा चंगा मुंडा है। हमारी सब चिंताएं उसी क्षण समाप्त हो गई। गुरुजी की कृपा से जनवरी 2001 में विवाह की तिथि निश्चित हुई। अब जैसे जैसे समय बीता शने शने मेरी विचारधारा में भी परिवर्तन आने लगा। मेरी बहन का विवाह स्थल उस विद्यालय के प्रांगण में था जहाँ मेरी माँ पढ़ाती थी। भोज के प्रबंधकर्ता से बात करने पर तंदूर और रसोई के स्थल का निश्चय कर लिया गया। विवाह से 3 दिन पूर्व उस विद्यालय की निर्देशिका, जो मेरी माँ से गुरुजी के बारे में सुनकर उनकी अनुयायी बनी थी, आई और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उनके स्वप्न में आकर रसोई के स्थल परिवर्तन की बात कही है। यद्यपि मैंने इस बात को अधिक महत्व नहीं दिया पर मेरी माँ ने तुरंत उनकी बात मान ली। विवाह बहुत भली भांति सम्पन्न हुआ और सब अतिथि आज भी उस स्वादिष्ट भोजन की सराहना करते नहीं थकते। ऐसे दृष्टांत इस बात को स्पष्ट करते हैं कि गुरुजी वास्तव में अंतर्यामी हैं। इतना होने के बाद भी मैं विश्वास और आस्था से कोसों दूर था। मेरी बहन के विवाह के 15 दिन बाद मैं बदल गया। उस दिन मैं कार्यालय से अपनी मोटरसाइकिल पर घर वापस आ रहा था। मैं राजमार्ग पर था और बहुत रात हो चुकी थी। उसी समय एक आवारा कुत्ता मेरे अगले पहिए से आ टकराया। मेरी गति इतनी तेज थी कि एक कंकड़ भी मेरी साइकिल के नीचे आता तो मैं पलटी खाकर गिर सकता था। ऊपर से एक बस मेरे पीछे चिपकी हुई आ रही थी और गिरने पर मेरा अंत निश्चित था। परंतु गुरुजी की दया से और कुछ दर्शकों के अचंभे से मैंने अपना संतुलन नहीं खोया। मेरी भगवान को धन्यवाद कहने की इच्छा हुई जो मैंने घर के रास्ते में अगले मंदिर के सामने अपना शीश झुकाकर किया। उसी समय गुरुजी की सुगंध से वातावरण महक गया। मेरे तर्क और स्वाभिमान ने मुझे त्याग दिया और मैंने मन ही मन गुरुजी को धन्यवाद दिया। नास्तिक से श्रद्धा परिवर्तन तत्कालिक था। 10 मिनट में विवाह। मेरा स्थानांतरण रेवाड़ी होने के बाद मैं अक्सर गुरुजी के दर्शन के लिए आ जाता था। अब मेरी माँ को मेरे विवाह की चिंता थी। एक दिन मैं और मेरी माँ मामा जी के घर पर थे। उस समय रिश्ते में मेरी मामी जी की बहन भी वहीं पर थी। शाम को हम सब गुरुजी के दर्शन के लिए गए। लंगर के उपरांत जब हम बैठे हुए थे गुरुजी ने मुझे बुलाकर अपने पैर दबाने को कहा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरी मामी जी की बहन जिया को भी वहीं करने के लिए कहा। 10 मिनट के पश्चात वह बोले शादी कर लो। मुझे कोई शंका नहीं है कि विवाह संबंध स्वर्ग में निश्चित होते हैं। इस प्रकार मेरे मामा जी और मैं साधू बन गए गुरु कृपा। मैंने सत्संगों में अक्सर सुना है कि गुरु जी को हमारे मन में उत्पन्न समस्त भावनाओं का ज्ञान है पर वास्तु स्थिति उससे भिन्न है। मन में उत्पन्न सब भावनाएं उनकी हैं। क्या आप विचारों के स्रोत से अधिक सोच सकते हैं? क्या आप कर्मकर्ता के स्रोत से अधिक कार्य कर सकते हैं? क्या आप इस ब्रह्मांड की आत्मा से अलग रह सकते हैं? उत्तर सहज है, वह आपके अस्तित्व के मूल हैं। यह तथ्य संभवतः हमें पता ना हो या हम इसे ना माने पर हम हैं क्योंकि हम उनके अंश हैं। वह भाग्यशाली जो उनके दर्शन कर पाए हैं या जिन्हें उनकी सुगंध प्राप्त हुई है या जिनके जीवन में उन्होंने कुछ मिठास भरी है वह सब उनके आशीष के धनी हैं। उनकी सुगंध लेने के बाद यदि मैं उसका स्तोत्र ढूंढता हूँ तो मुझे आभास होता है कि वह तो ईश्वरीय हैं। वह चमत्कार जिनका श्रेय गुरुजी को देते हैं चमत्कार मात्र इसीलिए हैं कि वह असंभव लगते हैं। गुरुजी में मैं अपनी श्रद्धा का निवेश यह सोचकर करता हूँ कि जो मैं हूँ और जो मेरे पास है दोनों विचार कहने को निंदनीय है। उसका एकमात्र कारण केवल वही है। मेरे ऊपर गुरुजी की कृपा की सूची अंतहीन है क्योंकि जन्म से पूर्व की घटनाओं को हम याद नहीं कर सकते। मैं इस संसार में अपने जन्म के लिए, ऐसे माता पिता के लिए, ऐसे मित्रों के लिए, ऐसे पालन पोषण के लिए, रोग से मुक्ति के लिए, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद शीघ्र स्वस्थ करने के लिए, एक प्यारी सी बहन और जीजा के लिए, एक प्रशंसनीय पत्नी और प्यारी सी बेटी के लिए और उनकी कृपा के लिए सदैव गुरुजी का आभारी रहूँगा। गुरुजी को अपने दर्शन करने देने के लिए मैं नतमस्तक हूँ। प्रार्थना है कि उनका स्नेह हम सब पर सदा बना रहे। प्रार्थना है कि वह हमारे परिवार को सदा अपने चरणों में स्थान दे। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। लख लख शुक्राना मेरे रब का, मेरे महाराज का, आज की सेवा देने के लिए अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।